हेलो दोस्तों, बढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आगे की सीरीज। बॉन्ड ऑर्डर हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ किसके बेसिस पे, बॉन्ड ऑर्डर की बेसिस पे। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? जब एक एटम और दूसरा एटम मिलके जब जुड़ जाते हैं यानी मॉलिक्यूल बन जाता है तो उनके बीच में क्या बॉन्ड लेंथ होगा, ये तो हमें पता ही है। ए और ए में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ए और ए में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ट्रिपल बॉन्ड है तो और कम होगी बॉन्ड लेंथ। वैसे ही एक और ले लेती हूँ मैं, ए और ए डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे पार्शियली, डबल डैश डैश का मतलब पार्शियली है, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। मैं अगर ऑर्डर लिखूँ इसको बोल रही हूँ 1, 2, 3, 4, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किस में होगी, जो जितना ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, एक सिंगल, तो यानी फर्स्ट बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। एक सेकेंड, इसको उठा के यहाँ रख देना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे दो है यानी छोटा होगा, और ये एक है सिंगल, एक डॉटेड है तो क्या होगा, 4 उससे बड़ा, फिर 2, then 3। क्लियर हुआ? पार्शियली का मतलब है डबल बॉन्ड कैरेक्टर पूरा नहीं आया है और पूरा सिंगल भी नहीं है, इन दोनों के बीच में ये लाई करेगा इस वजह से। ठीक है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है, बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। इन्वर्सली क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1, बॉन्ड ऑर्डर कम है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, तो कम है पर इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जितना बॉन्ड ऑर्डर कम उतना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, दोनों कैसे होंगे, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। एक होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ, दो बॉन्ड के बीच में कितना स्ट्रेंथ है, तो जितना ज़्यादा एटम कंबाइन होंगे, अगर आप ही देखिए ये वाला एक ही हाथ से पकड़ के रखा, अगली बार 2, 3, तो एक के साथ साथ 2, 3, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ही वो स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर, एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके लिए, O2 O2 प्लस एंड O2 माइनस, फाइंड आउट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का हमें क्या निकालना है, ऑर्डर, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए पहले निकालना पड़ेगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, शॉर्टकट भी देखा था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, जैसे ही प्लस हो गया, प्लस का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन हो गए 15 और इसके हो गए हमारे 17, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं यानी बढ़ेंगे तो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे, और फ्लोरीन में कैसा बॉन्ड होता है, 1, 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, 15 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 17 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5, तो कैसा बॉन्ड बनाएंगे, इसमें 2 बॉन्ड, इस वाले में 2 पूरा रहेगा, पॉइंट का मतलब पार्शियली बना दिया मैंने, इधर 2 ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड नहीं है, 1 और 1 आधा, तो बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन या ऑर्डर क्या हो गया, इसको मैं बोल देती हूँ A, B and C, रहने दो, ABC लिखने से और ज़्यादा वेरिएबल्स आ गए, मिटाई देते हैं। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर BO इसका सबसे ज़्यादा किसका है, O2 प्लस का, फिर O2 एंड देन O2 माइनस। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना है तो रिवर्स कर देंगे, बेचारा O2 बीच में है, चाहे ऐसे जाओ सेम। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो जितना ज़्यादा बॉन्ड बनेगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो आपके लिए एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस करना है, इसको डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। O2 का ही ले लेते हैं, O2 2 माइनस एंड O2 2 प्लस, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर।
बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका मैग्नेटिक नेचर देखेंगे। थैंक यू।